creatively interfere नहीं करेंगे in his upcoming comeback film with Raj and DK. अब इसी तरीके से कुछ राज एंड डीके ने एक इंटरव्यू में कहा कि कैसे शाहरुख खान has clearly told them that you don't need to take my every advice or you're not compelled to listen to what I'm trying to say. और usually A-listers पर ये इल्जाम लगते हैं, allegations लगते हैं कि वो काफी इंटरफियर करते हैं creatively, चाहे वो स्क्रिप्ट में additions या subtractions की बात हो या फिर एडिटिंग में उन्हें कुछ नहीं पसंद आया तो उस पर जो इनका इंटरफियरेंस होता है. समटाइम्स डायरेक्टर्स फील दैट दे डोंट हैव द होल्ड ऑफ द फिल्म बिकॉज ऑफ द A-lister इन द फिल्म. तो यहां पर शाहरुख खान की एक फिल्म की अनाउंसमेंट जो है वो क्लियर कर दी है राज एंड डीके ने. एंड दे हैव एक्चुअली गॉन अहेड एंड सेड दैट हाउ दे हैव नरेटेड अ स्क्रिप्ट टू शाहरुख खान एंड ही हैज गिवन अ नॉड टू दैट फिल्म. एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट इफ दे होल्ड दिस न्यूज फॉर टू लॉन्ग ये कहीं ना कहीं लीक हो ही जाएगी. तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि कैसे शाहरुख खान ने उन्हें नॉट दे दिया है उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए और क्या कहा है उन्हें. मैं बताती हूँ, राज और डीके ने कहा कि शाहरुख खान ने उनसे क्या कहा जब उन्होंने हाँ की उस फिल्म के लिए. ही डिड से वन नाइस थिंग दैट योर स्क्रिप्ट इज ग्रेट एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द स्क्रिप्ट इंटैक्ट. So whatever happens in the journey, make sure that the script is whatever you guys wanted it to be. Make the film that it should be. Don't be bogged down by the actor in it or the star in it and stuff like that. So clearly यहाँ पर राजन डीके ये कह रहे कि शाहरुख खान ने उन्हें बता दिया कि जितने भी inputs मैं दे रहा हूँ या हम देते हैं, don't get bogged down by those inputs and try and keep the script what it exactly was in the first place. क्योंकि during the shooting, when there are different inputs that are taken place, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की स्टोरी लाइन कभी कभार हट जाती है. और ऐसे ही एलिगेशंस लगे थे शाहरुख खान पर भी जब जीरो आई थी. देयर वर अ लॉट ऑफ एलिगेशंस वेयर पीपल स्पोक अबाउट हाउ शाहरुख खान के इतने इनपुट्स थे इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म वेयर द स्पेस सीन्स वर इन्वॉल्व्ड एंड आनंद एल राय को इतने इनपुट्स देने के बाद द स्क्रिप्ट काइंड ऑफ चेंज्ड एंड द स्टोरी लाइन बिकेम कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ व्हाट दे हैड एक्चुअली थॉट द फिल्म विल बी. और यहाँ पर आई थिंक शाहरुख खान इज ट्राइंग टू बी रियली केयरफुल इन हिज अपकमिंग फिल्म एंड ट्राइंग टू गिव द लिबर्टी कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द मेकर्स. एंड राज ने आगे कहा कि कैसे यूजुअली सेकेंड मीटिंग जब होती है फिल्म के नरेशन के बाद, उसके बाद जब कई और चीज़ों पर डिस्कशंस होती है तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी लाइन चेंज सी हो जाती है आफ्टर व्हाट इट वॉज इन द फर्स्ट नरेशन. बट ही सेड दैट आफ्टर मेनी मेनी मीटिंग्स विद शाहरुख खान इट स्टिल स्टेड द same and he is even stronger into it. So I think it's wonderful that he is so open to it. It is one of our favorite scripts we have been holding on to. Let's do it at the right time. So yeah, exciting if we can pull it off with him. So this entire episode looks really positive and looks like Shah Rukh Khan has an open mindset after the sabbatical. He has kind of changed his ways kyunki experience ek taraf aapka jitna bhi experience raha hai Bollywood wo ek taraf, lekin creativity jo director lata hai in a particular film is really really important and for it to remain the same till the end is the most crucial part. And looks like Shah Rukh Khan has really understood it. And if all goes well, we look forward to this film with Raj and DK and Shah Rukh Khan together on the silver screen.